भाई ढाका मेट्रो भाई, अभी टिकट लेते हैं वेंडिंग मशीन से। ओके भाई एग्जिट पे भाई भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, एग्जिट कर एंट्री पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी एग्जिट पे आ गई है। और ऐसे भाई इसके अंदर गेट है जो कि ऑटोमेटिक है। भाई अभी स्टार्ट हो गई है मेट्रो, भाई ये टिकट आई है और ऐसा दो आई है डिफरेंट डिफरेंट। भाई एक एक मिनट के अंदर भाई इसमें हॉल्ट आ रहा है। आया भाई आया भाई, उत्तरा नॉर्थ से जैसे ही एग्जिट करते हैं बाहर भाई डबल डेकर बसेस खड़ी हुई है। ओके भाई इसके अंदर चले गया और एग्जिट का थैंक यू आ गया। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग के अंदर। और अभी भाई मैं हूँ आगर गांव, यहाँ से भाई मेट्रो चलती है और आज हम लोग भाई मेट्रो का जो सफ़र है बांग्लादेश के अंदर वो करने वाले हैं। और मेट्रो स्टेशन भाई ये है आगर गांव, आगर गांव से हम लोग नॉर्थ उत्तरा वहाँ तक जाएंगे। और ये भाई उसके बाहर की थोड़ी बहुत स्ट्रीट है जो कि स्ट्रीट तो है ही भाई, खाने पीने की सामान लगा हुआ है। देखते हैं भाई आगर गांव और बांग्लादेश की भाई मेट्रो जो कि जस्ट 5 महीने पहले चली है और मेरे को नहीं लगता कोई भी हिंदी ब्लॉगर है वो अभी तक आया है यहाँ पर जो मेट्रो को ट्रैवल करने के लिए। और ये भाई 29 दिसंबर 2022 में इसका जो इनॉग्रेशन है वो हुआ था और ये जस्ट 9 स्टेशन्स में अभी चलती है। इसके जो बाकी स्टेशन्स हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। भाई देखते हैं बांग्लादेश की मेट्रो, और भाई ये लाइन है भाई मेट्रो की और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई मेट्रो के अंदर। काफ़ी मॉडर्न है भाई, अपन को जैसा सोचते हैं ना कि ढाका बांग्लादेश काफ़ी अंडर डेवलप्ड सा कंट्री होगी, बट भाई आपको बहुत ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री मतलब एज अ फर्स्ट लुक अगर जो इंडिया में बैठ के सोचेगा वो भाई हमेशा सोचेगा कि भाई गरीब देश है, बट यहाँ आके देखेगा तो भाई यहाँ भी काफ़ी तगड़ा है। और ये मे बी जैपनीज टेक्नोलॉजी के साथ मतलब जैपनीज लोगों ने हेल्प करी है। जैसे पाकिस्तान के अंदर चली है इनकी ऑरेंज मेट्रो लाइन, तो ये है भाई इनकी MTR बोलते हैं, क्या बोलते हैं MRT। ओके MRT बोलते हैं, मास ट्रांजिट MRT है ना। हाँ तो MRT का फुल फॉर्म नीचे लिख दूंगा, मैं भी भूल गया। और जो चाइना ने हेल्प करी थी वो बनी है भाई पाकिस्तान के अंदर, तो ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है। अभी भाई इधर से टिकट वगैरह का सीन है वो देखते हैं भाई, टिकट टिकट कैसे मिलेगी। मे बी इधर टोकन वाला सिस्टम है, ये है ना ये वाला भी मशीन वाला। हाँ मेरे को वो बताना कितने की आती है, उधर से वो टिकट दूसरी भी मिलती है शायद। हाँ तो भाई हम लोग लेंगे वेंडिंग मशीन से टिकट, वेंडिंग मशीन। और नॉर्मल लेनी है तो उधर लाइन वगैरह लगा के भाई आप लोग लाइन से ले सकते हो। और ऐसा भाई कुछ अंदर से ये दिखता है मेट्रो स्टेशन का टिकट काउंटर वगैरह, यहाँ पर बंगाली आती है आपको बंगाली तो आती है। हाँ तो फिर तो नहीं आ रहे हैं, पूरी लेना एंड तक की, वहाँ तक जाएंगे अपन नॉर्थ उत्तरा, नॉर्थ उत्तरा की तो एंड टू एंड सफ़र करने वाले हैं भाई जितना भी यहाँ पर अभी तक चला है। भाई अभी टिकट लेते हैं वेंडिंग मशीन से। ओके हेल्प कर रही है सिस्टर हमारी, उत्तरा उत्तरा नॉर्थ उत्तरा लास्ट की लेनी है। ओके ये भाई इसमें गए अभी नोट निकल जाएगी, ये जी अपनी टेक्नोलॉजी है ना। 120 टका, हाँ वो 60-60 रुपये की 60-60 टका क्या हो गया, दे विल गिव बैक अस 80 टका बंगाली भाई। ओके ये टिकट एक टिकट में ही दोनों का आएगा क्या? हाँ इसमें से अपना आया है अभी। तो भाई ये टिकट आई है और अच्छा दो आई हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ऐसी कुछ दिखती है भाई अपने तो टोकन आता है, चेंज इधर से आएगा। आया भाई आया, चेंज आया देखो ना, आया नोट ये आ गए भाई चेंज अपने 80 टका वापस मुड़ के आ गए। और अभी चलते हैं भाई, ये तो एग्जिट है, एंट्री किधर है ये रही, ये भाई इधर से एंट्री किधर से, उधर से कि इधर से, प्लेटफॉर्म उधर की साइड है एंट्री, एंट्री इधर वीडियो सुनना। हाँ ऑटोमेटेड एंट्री गेट्स, ओके ये लो अभी भाई इसको लगाना है। अच्छा मेरा तो बंद होगा क्या, चलो भाई। सो भाई एंट्री कर ली है मेट्रो स्टेशन के मतलब जो आगर गांव है बांग्लादेश ढाका सिटी के अंदर, और अभी जाना है भाई ऊपर की साइड। ओ भाई अभी तक ये जो मेट्रो है ये काफ़ी लंबी इसका रूट है भाई, बहुत लंबा रूट है,
बट अभी जस्ट 9 स्टेशन के अंदर अंदर चल रही है और मे बी इन फ्यूचर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपको भाई ढाका सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन देखने को मिलेगी, मे बी पूरा नॉर्थ से लेके साउथ ढाका जो जोड़ दे। और ये भाई कोई अंडरग्राउंड नहीं है भाई, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये लिखा हुआ है भाई उत्तरा नॉर्थ, तो हमको भाई जाना है उत्तरा नॉर्थ। और ऐसे भाई इसके अंदर गेट है जो कि ऑटोमेटिक है और इधर भाई लाइन वगैरह है भाई ये वाली देखोगे। और ये जो है भाई 6 कोचेस का मतलब एक रैक आता है उसमें चलती है भाई, 6 कोचेस का रैक। और भाई अभी इधर भीड़ देखो, ये अभी क्या 5 महीने पहले खुली है, तो जो बांग्लादेश के भाई लोग हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसको लेके। अभी हमारी जो है 6 मिनट के अंदर आने वाली है अपनी ना, 6 मिनट बाद आएगी भाई हमारी जो मेट्रो है ढाका से, ओ ढाका में तो है ही है जो अगर गाँव है वहाँ पर, और वहाँ से हम जाएंगे उत्तरा नॉर्थ। वो टाइम लिखा हुआ है भाई देखो 6 मिनट बाद आएगी भाई, 6 मिनट हाँ। और देखेंगे भाई पूरा का पूरा शहर है इसी के अंदर बैठ के। सो भाई ढाका मेट्रो आती हुई 5 महीने बाद मैं इसका भाई देख रहा हूँ शक्ल। और ये जैपनीज टेक्नोलॉजी मतलब कि जो जापान है उसके द्वारा हेल्प करवा के बांग्लादेश ढाका को भाई प्रोवाइड करवाई गई है। आएगी इधर तक पहुँचेगी, ये आ गई भाई ढाका मेट्रो। 6 कोचेस की है भाई, 6 कोचेस हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोचेस मतलब 6 एक रैक में 6 कोचेस हैं इसके। और अभी ये गेट खोलेंगे, एक ये है एक इधर गेट है। और ये भाई इसका लास्ट पॉइंट है, तो जितने अंदर है भाई सारे यहीं उतर जाएंगे और यहाँ पर जितनी भीड़ है सारी एक साथ ही अंदर चली जाएगी। चलो भाई एंट्री करते हैं इसके अंदर। हाँ हाँ इधर बैठते हैं, एसी है भाई, एसी चल रही है इसमें। इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ क्या? नहीं। आगर गांव भाई, ये बंगाली के अंदर लिखा हुआ है भाई, इधर ही इंग्लिश के अंदर आएगा आगर गांव। नक्शा उधर में भी उस इधर दिखाता रहेगा कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा, इधर की साइड है क्या? हाँ आगर गांव दिखा रहा है, उधर नेक्स्ट स्टेशन दिखाता रहेगा, नेक्स्ट स्टेशन इज आगर गांव, राइट डोर विल बी ओपन। हाँ तो जैसे अपने क्या है बिल्कुल ऐसे मैप बन के आता है ना कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, तो ये अभी छोटी लाइन है तो इसमें जस्ट नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दिखा देते हैं कि भाई ये नेक्स्ट में अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है उसका नाम लिख के आ जाएगा। मे बी इधर आता हो बट कोई आइडिया नहीं है, अभी चेक करेंगे है ना। ये हमारी खिड़की तो खराब है यार, इधर से बाहर कैसे देखेंगे? हाँ इधर से देख लेंगे, अंदर से भाई कुछ ऐसा है। इधर पॉपुलेशन मतलब काफ़ी कम है यार अभी इसके अंदर, अभी पहला स्टेशन है ना तो अभी काफ़ी कम बंदे हैं इसके अंदर चढ़े हुए। इसके अंदर ऐसे आता भाई आगर गांव, नेक्स्ट स्टॉप इसके बाद सेवर पारा कुछ ऐसा है, फिर ऐसे करते करते मीरपुर 10-11, फिर उत्तरा साउथ के बाद अपना आएगा उत्तरा नॉर्थ। तो इसके अंदर आता है भाई, मेरे को पहले क्या है जब आई थी ना तो उसमें आ नहीं रहा था, अभी लेकिन इसके अंदर सारा कुछ आ रहा है भाई। ये बंगाली के अंदर लिखा हुआ है भाई जितना भी है, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है दिस स्टेशन इज आगर गांव। तो हाँ ये इंग्लिश के अंदर आ गया अभी, बिकॉज ये अभी एक लाइन है ना तो जस्ट सिंपल तरीके से आपको जो नॉर्मल बंदा है वो समझ सकता है। अगर इसमें जैसे ढाका पूरी सिटी के अंदर फैल गई मेट्रो तो काफ़ी तगड़ा हो जाएगा, तो इसमें जैसे जो रूट है दिल्ली के अंदर चलता है वैसे पिंक लाइन हो गया, ग्रीन लाइन हो गया, रेड लाइन हो गया, तो ऐसे करके इसके अंदर भी शो करा करेगा भाई। अभी स्टार्ट हो गई है मेट्रो, निकल गई है, और जो इसकी टॉप स्पीड है टॉप मोस्ट स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, बट जो इसकी एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि पिकअप भाई पकड़ दिया तो 100 की स्पीड में पकड़ेगी और एकदम खींच दी भाई। और ये देखोगे तो भाई ये देखो भाई ढाका सिटी का व्यू एक नंबर आ रहा है भाई। और इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर लंबी है, और अगर मैं इसके अंदर व्यू दिखाऊं भाई देखो भाई आ रहे हैं भाई ढाका मेट्रो के अंदर, भाई पहली बार बांग्लादेश के अंदर आया हूँ, जस्ट 5 महीने पहले चल रही है मेट्रो। और आप लोग भाई कंपार्टमेंट है इसको भी चेंज करके दूसरी साइड जा सकते हो भाई। अभी भाई इसका जो सेकंड हॉल्ट है वो आया है, सेकंड हॉल्ट सेवरा पारा करके कोई हॉल्ट है, सेवरा पारा ये आया भाई देखो सेवरा पारा। अभी ऐसे आते रहेंगे इसके अंदर 9 हॉल्ट है इसमें, तो अभी दूसरा आया है तो अभी इसके बाद 7 और है, 7 में से हम लोग उतर जाएंगे।
और यहाँ से भाई तगड़ी भीड़ चढ़ने वाली है। और एक दो गेट खुला और ये आ गए भाई। बैठने दो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ तुम बैठ रहो। बहुत भीड़ आ गई भाई अभी तो, धीरे धीरे इसमें और आते जाएंगे धीरे धीरे। और अभी ये सेकंड इसका हॉल्ट आ गया है। रूट मैप वैसे स्टेशन के ऊपर भी लगा हुआ है, देखो वहाँ पर, जिसके अंदर 9 बने हुए हैं स्टेशन, मतलब अभी कंप्लीटेड है, बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन डले हुए हैं। मिनट के अंदर भाई इसमें हॉल्ट आ रहा है, यानी कि एक एक मिनट में स्टेशन आ रहा है। काफ़ी ठीक ठाक स्पीड है भाई इसकी, और जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो भाई तो एक नंबर आएगा ये स्पीड वगैरह। और अभी पाकिस्तान की भाई मेट्रो लाइन है, उसको भी कभी ना कभी इन फ्यूचर के अंदर देखेंगे। वीज़ा मिला तो भाई, वीज़ा तो मिलने नहीं वाला। और ये भाई, अच्छा जी, सिटी का व्यू चेक करो भाई, ढाका सिटी। भाई अभी अपना नेक्स्ट जो हॉल्ट है वो अपना ही है, जो कि मतलब यहाँ तक ट्रेन चलती है अगर गांव से लेके उत्तरा नॉर्थ है वो अपना हॉल्ट आने वाला। देखो जो नेक्स्ट है, बस एक बिंदी रह गई है अब अपना है। और भाई इसके अंदर भीड़ देखो सारी की सारी मेरी, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ भाई वहीं जा रहे हैं। और भाई व्यू चेक करो यार, ढाका सिटी का अगर व्यू लेना है ना भाई, मेट्रो के अंदर आया 60%, मतलब 40-50 रुपये होते हैं इंडिया के। और भाई मस्त पूरी सिटी का व्यू लो यार, एक नंबर है भाई, ग्रीन और बिल्डिंग ही बिल्डिंग, फ्लैट भाई, पता नहीं एक नंबर बना हुआ है भाई शहर। इस शहर के अंदर भाई आबादी ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा रहती है, तो इस चक्कर में आप लोगों को यहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं ज़्यादातर। और घर वगैरह है वो भी है, वो कॉलोनीज़ में है, बट ज़्यादातर आपको फ्लैट है वही देखने को मिलेंगे भाई। ये अपना आ गया उत्तरा नॉर्थ, अभी यहाँ पर हम लोग भाई डिपोर्ट कर देंगे इस ट्रेन को। यहाँ से फिर हम बाहर से दिखाता हूँ भाई इसका एरिया कैसा है, वही कितने लोग हैं यहाँ पर वीडियो फोटो लेने के लिए लगे हुए, लाइन ही लाइन लगी हुई है भाई। अभी इधर से चलेंगे और इसका भाई ये भी ओपन होता है कंपार्टमेंट, ये हुआ, ये नहीं होगा क्या, होगा, दूसरे से जाएंगे भाई बाहर उधर के। ये लो जी भाई पहुंच गए हैं उत्तरा नॉर्थ, 10-20 मिनट लगे हैं, और अगर हम बस से जाते तो भाई पता नहीं कितना टाइम लगता यार, बस में ऑलमोस्ट आधा घंटा से ज़्यादा लगता है, क्योंकि 8-8.5 किलोमीटर था भाई वहाँ से, यहाँ से हम लोग इसमें चढ़े थे अगर गांव से। ये लो जी एस्केलेटर से उतरते हुए और इस स्टेशन के बाहर जाते हुए। स्टेशन्स पे भाई मेट्रो के जो स्टेशन्स हैं यहाँ पर कोई एसी वाला सिस्टम नहीं है, मतलब जो स्टेशन है, जैसे मे बी इंडिया के अंदर तो एसी वगैरह लगी होती होगी और इस स्टेशन में नहीं है। ये स्टेशन भाई कुछ ऐसा दिखता है, एग्ज़िट ऊपर से ऐसे कुछ लिखा हुआ है ऊपर से, मे बी इधर से उधर से कहीं से एग्ज़िट है, एग्ज़िट करते हैं बाहर निकलते हैं फिर मिलते हैं भाई आपसे। ऊपर है भाई एग्ज़िट, ऊपर जाके ऊपर से एग्ज़िट कहाँ से करेंगे, अच्छा हाँ ऊपर से नीचे, हाँ भाई मज़े आ गए। अभी देखो मेट्रो के अंदर क्या ही बोलेंगे ना आपसे, तो इसलिए व्यू चेक करो मेट्रो के अंदर कैसा आता था, पूरा का पूरा मेट्रो का व्यू देखा होगा आपने। और कुछ भाई ऐसा दिखता है, लिफ्ट वगैरह भी है,
और बंगाली के अंदर लिखा हुआ है। भाई बंगाली ना बहुत सिमिलर है हिंदी से। लिफ्ट का देखो ला भी और मात्रा भी ऐसी लिखी हुई है। एग्जिट का भाई एग्जिट पे भी भाई ई की मात्रा लगी हुई है, तो सेम टू सेम हिंदी जैसा ही है भाई। भाई एग्जिट पे भाई भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। एग्जिट कर एंट्री पे इतनी भीड़ नहीं है जितनी एग्जिट पे आ गई है। यहाँ एग्जिट के लिए लाइन लगानी पड़ती है, एंट्री के लिए कोई लाइन नहीं है। एग्जिट बहुत डिफिकल्ट टास्क है इधर। तो भाई ये कार्ड है ये यहीं पर ही सबमिट कर देंगे इसको। अपने तो टोकन रहता है, टोकन सबमिट करते हैं, यहाँ पर ये कार्ड देते हैं। ऐसा कार्ड को अपन इधर दे देंगे और छुट्टी हो जाएगी अपनी इधर से। हाँ किधर की साइड, इधर करेंगे इसके अंदर भाई डालना है कार्ड। और इधर भी साइड है, ओके भाई इसके अंदर चले गया और एग्जिट का थैंक यू आ गया। ऐसा कुछ सीन है भाई, इधर अपने टोकन है, टोकन डाल देते हैं तो अपन एंट्री एग्जिट भी कर लेते हैं। एंट्री के लिए टोकन स्कैन हो जाता है तो निकल जाते हैं। अभी भाई हम लोग जा रहे हैं बाहर की साइड और ऊपर से भाई नीचे ऊपर निकले हैं भाई एग्जिट। और ये भाई आ गया नीचे उत्तरा नॉर्थ, ऐसा कुछ दिखता है भाई उत्तरा नॉर्थ का बाहर से मेट्रो स्टेशन का एरिया। नीचे काफ़ी भाई इसमें रिक्शा, यहाँ के रिक्शा भाई थोड़े से डिफरेंट है। वो रिक्शा देखो इसके थोड़े से डिफरेंट देखने को मिले हैं, वो वाला नॉर्मल है, ये वाला थोड़ा सा अलग है। और ये पूरी की पूरी रोड और भाई एक नंबर एरिया है भाई उत्तरा नॉर्थ से। जैसे ही एग्जिट करते हैं बाहर भाई डबल डेकर बसेस खड़ी हुई हैं, दो BRTC बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये भाई मे बी इसी के अंदर हम लोग भी जाएँ वापस। और ऐसा कुछ दिखता है भाई बाहर का एरिया उत्तरा नॉर्थ का। और भाई होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेट्रो दिखाई मैंने भाई जो कि 5 महीने पहले यहाँ पर चली थी। और भाई होप है कि आप लोगों को बांग्लादेश सीरीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मॉडर्न ढाका दिखाता हूँ। अभी हम लोग घूम रहे थे भाई सेमी मॉडर्न, यानी कि ये मेट्रो का एरिया। आपको मेट्रो किसी ने नहीं दिखाई होगी, मेट्रो दिखाई है भाई बंगाली के अंदर काफ़ी लोगों ने और अंग्रेज़ों ने काफ़ी दिखाई है। हिंदी में किसी ने नहीं दिखाई, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट हाँ क्रेडिट लेना बनता है क्योंकि हिंदी में मैं पहली बार आया हूँ। काफ़ी लोग हैं जैसे कि बंसी बिश्नोई भाई भी है, मैंने काफ़ी लोगों के फॉलो करता हूँ तो हाँ उन्होंने भी नहीं दिखाई, तो भाई मे बी मैं पहला हो सकता हूँ। और अभी BTR ये कौन सी बस है डबल डेकर, इसके अंदर बैठते तब तक निकलते हैं। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।